हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी केयर विद अमिता। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों की ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिसके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट्स ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम नहीं है। और ये प्रॉब्लम है बच्चे का बार बार जागना। जनरली ये प्रॉब्लम 1 साल से छोटे बच्चों को होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, ये प्रॉब्लम भी धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। बच्चे का बार बार जागना इसलिए भी प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि अगर बच्चा बार बार जागेगा तो वो ठीक से सो नहीं पाएगा और बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा और साथ ही उसकी ग्रोथ भी ठीक से नहीं होगी। तो जो पहला सबसे कॉमन रीजन है बच्चों के जागने का, वो है बच्चों को भूख लगना। एक्चुअली क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका पेट बहुत छोटा होता है जिसकी वजह से वो जल्दी से भर जाता है तो जल्दी से खाली भी हो जाता है। तो होता क्या है, जैसे 8 बजे आपके बच्चे ने दूध पिया और दूध पीकर वो सो गया तो 10-10:30 बजे तक वापस उसका पेट खाली हो जाएगा और उसे भूख लगेगी जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रात को 10-10:30 बजे आप उसे ब्रेस्ट फीडिंग करा दीजिए और अगर फॉर्मूला मिल्क देती हैं तो रात को 10-10:30 बजे उसके जागने से पहले ही उसका दूध बनाकर उसे पिला दीजिए। बच्चे क्या करते हैं, नींद में भी पी लेते हैं, अगर बॉटल उनके मुँह के पास लगाए तो बच्चे पीने लग जाते हैं। तो इससे क्या फायदा होगा, बच्चे का पेट भर जाएगा तो उसकी नींद नहीं खुलेगी जिसकी वजह से वो आराम से सोता रहेगा। दूसरा आप क्या करिए, जब आपने बच्चे को दूध पिलाया 10-10:30 बजे उसी टाइम बच्चे का डायपर भी चेक कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है, बच्चा अगर गहरी नींद में सो रहा है और उसने एक बार यूरिन पास किया है तो उसे पता नहीं लगेगा कि डायपर उसका गीला है क्योंकि डायपर एब्जर्व कर लेता है, तो बच्चे को अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, बच्चा आराम से सोता रहेगा। लेकिन उसी टाइम अगर आपने चेक कर लिया, आपको लगा कि हाँ एक बार यूरिन पास कर लिया है, डायपर थोड़ा सा गीला है, तो आप उस टाइम पर चेंज कर दीजिए। सूखा डायपर हो जाएगा तो बच्चे की जो नींद खुलने वाली थी अगली यूरिन के टाइम पर, तो वो नींद बच्चे की नहीं खुलेगी और बच्चा आराम से सोता रहेगा। तो यही प्रोसेस आपको रिपीट करनी है 2 से 2.5 घंटे के बाद, फिर से आप वापस से दूध पिला दीजिए और डायपर उसका चेंज कर दीजिए। स्टार्टिंग में ये आपको करना पड़ता है बार बार क्योंकि बच्चा छोटा है तो उसका पेट बार बार खाली होता है 2-2.5 घंटे में, तो आपको ऐसा करना है। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, 6 महीने के बाद तो आप उसको ऊपर का खाना देने लगेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फूड देने लगेंगे, तो बच्चे का पेट भरा रहेगा और वो जल्दी जल्दी नहीं जागेगा। इसके अलावा क्या रीज़न होता है बच्चे के जागने का, बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अगर वो चलना फिरना नहीं भी जानते तो खूब हाथ पैर चलाएंगे, ट्रॉलिंग करेंगे, है ना, और जब चलना फिरना सीख जाते हैं तो फिर धमाचौकड़ी मचाएंगे, इधर कूदेंगे उधर भागेंगे। तो होता क्या है, दिन भर तो वो धमाचौकड़ी मचा ली उनने, खूब मस्ती कर ली, लेकिन रात को जब वो लेटते हैं तो उनको होता है बॉडी में पेन जिसकी वजह से वो रात में ठीक से सो नहीं पाते और उनकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है और वो रोने लग जाते हैं। तो आपको क्या करना है, बच्चे को सुलाने से पहले बच्चे की बॉडी की अच्छे से मसाज कर दीजिए। सरसों का तेल ले लीजिए गुनगुना और उससे आप बच्चे की मसाज कर दीजिए। अगर सर्दियों का टाइम है तो आप लहसुन और अजवाइन मिला लीजिए तेल में और उस गुनगुने तेल से बच्चे की अच्छे से मालिश कर लीजिए। सरसों का तेल यूज़ नहीं करते तो जो भी आप मसाज ऑयल यूज़ करते हैं वो ऑयल ले लीजिए और उससे बच्चे की अच्छे से मसाज कर दीजिए। सिर पर भी मसाज कर दीजिए बढ़िया से, अच्छे से हाथ फेर दीजिए। तो इससे क्या होगा, बच्चे को बड़ा आराम मिल जाएगा और बच्चे को अच्छी नींद आएगी और वो जल्दी नींद से नहीं जागेगा। अच्छा, एक बात और क्या होती है, बच्चे ना दिन में बहुत ज़्यादा सो लेते हैं। जैसे बच्चों का जो रूटीन होता है ना, क्या होता है, रात में जागना और दिन में सोना। तो बच्चा अगर दिन में 3-4 घंटे अगर सो लेता है 2-3 बार तो फिर क्या होगा, रात को उसको नींद नहीं आएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, बच्चे को रात में ज़्यादा देर तक सुलाने के लिए पहले उसे दिन में टाइम कम करना है उसके सोने का। जैसे अगर बच्चा 3 घंटे सोता है तो आप कोशिश करिए 1.5 से 2 घंटे में बच्चा जाग जाए। अगर बच्चे का दिन में रूटीन इस तरह से हो जाता है कि बच्चा कम देर के लिए सोता है तो रात को अपने आप वो ज़्यादा टाइम के लिए सोने लगेगा। एक रीज़न और है बच्चों के रात में रोने का, क्या होता है, जैसे सर्दी का मौसम है, अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो हम लोग ना ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े पहना देते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे कि ठंड तो है लेकिन इतनी भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कपड़े पहना दिए, तो हम लोग क्या करते हैं, बनियान पहना दिए, इनर पहना दिया, उसके ऊपर एक गर्म कपड़ा पहना दिया, उसके ऊपर और कुछ पहना दिया और फिर कंबल उड़ा दिया, रजाई उड़ा दी। बच्चे को इतना ज़्यादा ढका दबा देते हैं ना, टोपी पहना दी, मोजे पहना दिए, इतना ज़्यादा पैक कर देते हैं ना कि बच्चा एकदम घबरा जाता है, उसे एकदम गर्मी लगने लगती है। रात को कभी कभी क्या होता है ना, एकदम गर्मी लगाती है जब बहुत सारा ओढ़ लेते हैं, तो उसकी वजह से भी बच्चा घबरा कर जाग जाता है और रोने लग जाता है। तो आप थोड़ा सा सोते समय बच्चे का ध्यान रखिए कि उसको कंफर्टेबल फील होना चाहिए। तो ऐसे ही बच्चों को उड़ा तो दीजिए आप, गर्म कपड़े भी पहनाइए
लेकिन उतना ही जितनी जरूरत है। बहुत ज्यादा ओवरलोड बच्चों को मत कर। लेकिन साथ ही साथ एक चीज और होती है कि बच्चों की क्या होती है, लात मारने की आदत होती है। तो होता क्या है, जैसे बहुत ज्यादा ठंड है और बच्चे ने लात मार के अपनी रजाई हटा दी, अब उसको ठंड लग रही है, तो उस केस में भी रोने लगेगा, क्योंकि बच्चा अपने हाथ से तो रजाई ओढ़ नहीं पाएगा, उसे ठंड लग रही है, तो वो क्या करेगा, रोने लगेगा। तो दोनों ही चीजों का आपको ध्यान रखना है, ना तो बच्चे को गर्मी लगे, उसके ऊपर बहुत ज्यादा कपड़े हों, और ना ऐसा हो कि उसकी रजाई वजाई सब हट गई है और उसे ठंड लग रही है, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल गई है और वो रो रहा है। अच्छा, एक चीज शायद आपने नोट ना की हो कि बच्चों को सोने के लिए ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है। तो बच्चा क्या करता है, बेड पे चारों तरफ घूमता है, कभी उसका फेस वेस्ट में है तो कभी ईस्ट में हो जाएगा, कभी नॉर्थ में है तो कभी साउथ में हो जाएगा। चारों दिशाओं में बच्चों को भ्रमण करना होता है बिस्तर पर सोते समय। और अगर आप दोनों बगल में सो रहे हैं बच्चे के मम्मी पापा, तो उसे लगता है कि अरे मुझे स्पेस कम मिल रहा है, मैं ठीक से सो नहीं पा रहा, तो अनकंफर्टेबल फील करता है, तब भी बच्चा जाग जाता है। तो मम्मी पापा को सोना तो है बच्चे के पास में, लेकिन थोड़ा सा उसे स्पेस अच्छे से दीजिए, जिससे वो आराम से हाथ पैर जहाँ तक भी पटकना चाहे वहाँ तक पटक सके। खूब सारी उसे जगह मिलेगी, कंफर्टेबल रहेगा तो वो आराम से सोएगा। वहीं अगर आप उससे बिल्कुल चिपक चिपक के सो जाएंगे, उसको जगह एकदम कम देंगे, तो भी वो ठीक से नहीं सो पाएगा और रात में जागकर रोने लगेगा। एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि बच्चे के अगर टीदिंग पीरियड चल रहा है, बच्चे के दांत निकल रहे हैं, तो उस टाइम भी बच्चा ठीक से सो नहीं पाता, क्योंकि वैसे तो दिन में भी प्रॉब्लम होती है लेकिन रात में स्पेशली ज़्यादा होती है। बच्चे के मसूड़ों में इरिटेशन होता है, दर्द होता है, जिसकी वजह से बच्चा ठीक से सो नहीं पाता और रात में बार बार जागकर रोता है। जब ये टाइम पीरियड निकल जाएगा, या स्पेशली जो भी उसके दांत निकल रहा है वो दांत निकल जाएगा, उसके बाद बच्चा आराम से सोने लग जाएगा। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि कमरे में एकदम अंधेरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई पेरेंट्स को क्या होता है, बिल्कुल अंधेरे में सोने की आदत होती है, हल्की सी भी रोशनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो कई बार क्या होता है, बच्चे की जैसे नींद खुली और उसे एकदम अंधेरा दिखेगा तो वो डर जाएगा और रोने लगेगा। तो इसलिए बच्चे के कमरे में इतनी रोशनी तो रखनी चाहिए कि अगर बच्चे की नींद खुले उसे दिखाई दे कि हाँ आसपास सब लोग हैं। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखिए कि एकदम गुप्त अंधेरा कमरे में करके मत सोइए। इसके अलावा अगर बच्चे को सर्दी जुकाम है, तो भी बच्चा रात में बहुत परेशान होता है, क्योंकि उसकी नाक बंद हो जाती है, वो ठीक से सांस नहीं ले पाता, उसकी वजह से भी बच्चा बार बार रात में जागता है। तो अगर बच्चे को सर्दी जुकाम है तो आप लहसुन अजवाइन के तेल से बच्चे को मसाज करिए, स्पेशली छाती पर अच्छे से मसाज कर दीजिए और उसके नाक में नोजल ड्रॉप डाल दीजिए। इससे क्या होगा, उसकी नाक खुल जाएगी और उसे आराम से नींद आ जाएगी, वो चैन से सो पाएगा। अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है, तो उसके रोने का एक रीजन और हो सकता है, उसके कोलिक पेन हो रहा है, यानी पेट में गैस का दर्द हो रहा है, उसकी वजह से भी बच्चे बड़ी तेज तेज रोते हैं। तो अगर आपको लगता है बच्चा चीख चीख के रो रहा है, उसका पेट भी भरा है, उसने डायपर भी गीला नहीं किया, कोई परेशानी नहीं दिख रही है, तो आप क्या करिए, थोड़ी सी हींग लेके उसमें पानी डाल के गर्म करके उससे बच्चे के पेट की मसाज कर दीजिए, थोड़ा सा उसकी नेवल में डाल दीजिए, नाभि में, और पेट पे लगाकर धीरे धीरे हाथ से घुमा दीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इससे भी बच्चे को पेट में आराम मिल जाएगा, अगर उसके पेट में दर्द है तो, और फिर बच्चा आराम से सो जाएगा। और लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो मैं लगभग अपने हर वीडियो में बताती हूँ, कि बच्चे को आप जब भी सुलाएं मच्छरदानी में ही सुलाएं, क्योंकि हो सकता है बच्चे को रात में मच्छर काट ले या कोई कीड़ा काट ले, चींटी काट ले, उसकी वजह से भी बच्चा रात को रो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चा बता भी नहीं पाता कि उसे काट लिया है किसी कीड़े ने। तो आपको क्या करना है, रात को या वैसे तो 24 घंटे ही बच्चे को हमेशा मच्छरदानी में ही सुलाइए। मच्छरदानी में सोने से बच्चा एकदम सेफ रहेगा, कोई कीड़े का, किसी मच्छर का, किसी भी चीज़ का डर नहीं रहेगा और बच्चा आराम से सो जाएगा। तो आज के वीडियो में मैंने लगभग सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, जिसकी वजह से बच्चा नींद में डिस्टर्ब होता है और रात को बार बार जागकर रोता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी हो आप बताइए मुझे। अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।